बैरिस्टर साहब ये सर ये सारी जो भी ये कहानी चल रही है इसको किस तरह देख रहे हैं आप ये एक पोलिटिकल मूव है या ये एक्चुअली जेनविनली केस जिस तरह प्रसू हो रहा है एक कंसर्न है जजेस ने कहा है कि जनाब जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने वो हमारे फैसले के मुताबिक नहीं थी उसको गलत इंटरप्रेट किया गया क्या इंटरप्रटेशन है सर अच्छा सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर ये रिमार्क्स आज ना आते तो बेहतर होता अच्छा क्योंकि आपने देखा कितनी खप डाल गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो बेहतर था कि अगर आपने मंडे को इसको एडजर्न करना था और मंडे के बाद ही फैसला करना था तो बाद नज़र में हमज़ा शहबाज की शहबाज की वजारत अल खतरे में है इस तरह का कोई रिमार्क अदालत की तरफ से ना आता क्योंकि अब हर कोई अपने तई इसकी तश्री करेगा हर कोई अदालत के फैसले को प्रडिक करने की कोशिश करेगा और अकॉर्डिंगली तब तक पॉलिटिक्स होती रहेगी मुझे तो लग रहा है गेम खत्म हो गई हमज़ा की देखिये ना यही मैं कह रहा हूँ आपकी इंटरप्रिटेशन है मैं मैं समझता हूँ एज ए लॉयर मैं ये समझता हूँ कि अभी मामला सबजिस है सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोनों फरीकैन को मुकम्मल तरीके से सुनना है उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँचना है और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ एक वकील की हैसियत से इसमें पॉइंट्स हैं मिसाल के तौर पर वो जो फैसला था तिरसठ ए के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसकी अगर मैं समरी सिर्फ आपके सामने रखूँ तो उसमें पैराग्राफ टू में तो सिर्फ ये कहा हुआ है कि इनहराफ कैंसर है ठीक है और इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए पैराग्राफ थ्री में ये कहा हुआ है कि कोई भी अगर पार्टी का मेंबर पार्टी आ, वो डायरेक्शन के खिलाफ जाके पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ जाके वोट करता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और ये बावजूद उसके है कि पार्टी हेड बेशक रिफ्रेन कर जाए उसके खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ डिफेक्शन के हवाले से यानी कि अगर आप उसको वो नाहल नहीं भी करवाना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद उसका वोट काउंट नहीं होगा इतना लिखा हुआ है ठीक है अभी यहाँ पे कोई किसी किस्म की बहस अभी तक नहीं है मंसूर yes. कोई बहस अभी तक नहीं है, okay. 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 है।, है, है इनहराफ करता है तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसको डिसक्वालीफाई भी होना चाहिए उसकी मुद्दत कितनी होगी इसका फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए आर्टिकल सिक्सटी के अंदर जो अभी तक पार्लियामेंट ने नहीं किया ये टोटल फैसला इसके अंदर अब पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्टी हेड का जिक्र फैसले में कहीं पर भी नहीं है अच्छा तो डेप्यूटी स्पीकर साहब अठारह अप्रैल का अठारह अप्रैल का इमरान खान साहब का एक खत है जो बेसिकली उन्होंने लिखा जब वोटिंग हो चुकी हुई थी 25 लोग वोट डाल चुके हुए थे तब उन्होंने परवेज लाई साहब को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जी ये जो 25 लोग हैं इन लोगों ने मेरी डायरेक्शन यानी कि पार्टी हेड की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके वोट डाला है तो इमरान खान साहब की पोजीशन तो तब तक भी पार्टी हेड की ही थी तो इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट को अब चॉइस शुजात साहब को सुनना चाहिए अच्छा अगर इमरान खान साहब ने खत लिखा था और उस खत को बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 लोगों को मुनहरफ होने की वजह से डी सीट किया था और दोबारा इलेक्शन हुआ है तो अब आप शुजात साहब को बुलाया जाना चाहिए ठीक है यही तो पॉइंट है कि उनसे पूछा जाना चाहिए क्या आपने कोई डायरेक्शन दी थी इलेक्शन डे से पहले दी थी उसको कम्युनिकेट किया था उसका मौजूद है अगर तो ये सब कुछ था फिर तो ये सेम आज कह दिया कि मैंने जाके पूछा था मैंने उनसे जाके पूछा चौधरी शुजात से चौधरी शुजात ने कहा हाँ मैंने लेटर लिखा